गाइज वेलकम बैक टू आर न्यू यूट्यूब वीडियो। और मैं थोड़ी खुश हूँ, थोड़ी ना इमोशनल भी हूँ। मतलब आज कुछ मिक्स इमोशंस है मेरे में, क्योंकि मैं जा रही हूँ साई के पास डेढ़ महीने बाद। डेढ़ महीने से मैं मेरे हस्बैंड से मिली नहीं हूँ, और डेढ़ महीने बाद मैं मेरा घर छोड़ के जा रही हूँ। अब पता नहीं कब आऊँगी कब नहीं आऊँगी। तो खुशी के भी आंसू आ रहे हैं, मम्मी को छोड़ के जाने के भी आंसू आ रहे हैं। अब सबको पता है यार, मम्मी को छोड़ के जाना मीन्स एक पहाड़ तोड़ना जितना मुश्किल होता है, आप सबको पता है। और मैं मतलब लव मैरिज किया है, तो मुझे साई को छोड़ना भी इतना मुश्किल होता है कि 4-5 साल उनके साथ रहो। मैं हर दिन मैं जैसे बोलती हूँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन दूर रहते हैं। डेढ़ महीना लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा है कि डेढ़ महीने से मतलब हम मिले नहीं एक दूसरे से। तो और साई के काम की वजह से हम मतलब साई कभी यहाँ पे भी नहीं आ पाए मुझे मिलने के लिए, ना ही मैं वहाँ जा पाई। तो मैं फाइनली जा रही हूँ, अब हम निकल रहे हैं। मेरी फ़्लाइट 8 बजे की है, अब लगभग 5 बज चुके हैं। मतलब 6:30-7 बजे तक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। और फ्लाइट डायरेक्ट फ्लाइट है कोयम्बतूर से पुणे, और पुणे मुझे साई लेने आएंगे। बहुत मिक्स इमोशन है, मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं मिलने जा रही हूँ साई से। देखते हैं अब क्या क्या होता है और मम्मी कितना रोती है। बिच्चू एंड द बेबी, हाय किच्चू। किच्चू എന്താണ് കിച്ചത്? വോയിസ് ആവാസ് കിച്ചത്, എന്താണ് ചിത്തേട്ടാ? फाइनली बहुत रोने के बाद मेरे मम्मी ने मुझे गुड बाय बोला। एक्चुअली मेरे मम्मी से ज़्यादा मेरे जीजू इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि मैं उनकी बहुत प्यारी हूँ। ऐसे नहीं सब लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं थोड़ी ज़्यादा प्यारी हूँ। तो एक मुझे अभी मिस्टेक मिली है, जब मैं टिकट बुक कर रही थी तब मेरा ध्यान नहीं गया कि मैंने इधर विष्णु प्रिया का मिस्टर किया है, हमारा जेंडर चेंज हो गया। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगली बार से प्लीज़ ध्यान देना। तो इधर मिस्टर विष्णुप्रिया नायर हो गया है। तो चलो अभी फ्लाइट के लिए सिर्फ 30 मिनट्स है, उसके बाद फिर हम हमारे पति के पास जाएंगे। तो पता है मेरे साथ फ्लाइट में एक इंसिडेंट हुआ कि मुझे मिडिल सीट मिली थी। मुझे हर बार विंडो सीट मिलती है, पर पता नहीं इस बार मुझे मिडिल सीट मिल गई। और मेरे दोनों साइड लड़के थे, तो मैंने दोनों को बोला था आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, नहीं तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाती हूँ। लेकिन दोनों ने भी मुझे इनकार किया था, और उन्होंने मुझे लास्ट तक मिडिल सीट ही दी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ साई से मिलने के लिए। मुझे नहीं पता साई कैसे रिएक्शन देगी। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम क्राइंग, आई एम जस्ट मैड टू सी हिम। मैं इतने दिन उनसे दूर कभी नहीं रही हूँ। पहले पैकेज लेते हैं फिर चलते हैं। जब भी मुझे जल्दी जाना होता है तब भी हर बार पैकेजेस लेट आते हैं यार।
और एज यूजुअल मुझे रिकॉर्ड करना था साई मुझे कैसा देखेंगे, तो मैंने गौरव से शूट करवाया था बाहर। मैं अभी जस्ट टूटी हूँ नींद से और मैं भूल गई थी कल व्लॉग एंड करना, और साई गए हैं उनके वर्क पे, उनके जो भी काम है उसके लिए। अभी मैं बहुत देर बाद ही मिल पाऊँगी साई से, लेकिन मैं खुश हूँ। मैं कल बहुत रोई, मुझे भी नहीं पता चला था मैं रोई क्यों, मुझे नहीं पता मुझे इतना रोना क्यों आया। साई डर गए थे क्योंकि मेरे बैग जाने में बहुत टाइम लग गया था, और उसकी वजह से ना साई को ऐसा लगा था कि अंदर कुछ प्रॉब्लम ही हो गई है मेरे साथ, और साई डर गए थे कि मैं रो क्यों रही हूँ। तो फिर मैं रो रो के बोल रही थी मैंने बहुत मिस किया था आपको, और फिर वो रोए जा रहे थे, मतलब फिर वो हंसे जा रहे थे और मैं रोए जा रही थी। तो आपको अगर पूरा व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और नेक्स्ट व्लॉग क्या होना चाहिए वो भी कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।